हेलो स्टूडेंट्स, सभी पाठशाला में मैं सविता आप सभी का स्वागत करती हूँ। एलडीए कीटोन चैप्टर में से जो एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है व्हाई एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसमें हम समझेंगे आगे स्टेप बाय स्टेप। आप लोगों ने इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी नाम सुना हुआ होगा। सब्स्टिट्यूशन में या रिप्लेसमेंट में एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को रिप्लेस करता है। यहाँ पे क्या होता है, एडिशन मींस कि जितना भी कंपाउंड का जो भी टोटल है कंपाउंड वो फुल जाके अटैच हो जाता है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ कि एडिशन रिएक्शन ओनली अकर्स इन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि एडिशन वही करेगा टोटल जिसको रिक्वायरमेंट हो, और जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो एडिशन रिएक्शंस नहीं देते। तो अनसेचुरेटेड में आप एल्काइन्स ले सकते हैं, एल्कीन्स ले सकते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मीन्स की न्यूक्लियोफाइल का भी काम है, कुछ एडिशन भी हो रहा है, इस तरह की रिएक्शन है। तो हम पॉइंट टू पॉइंट इसको समझते हुए चलते हैं, बहुत आसान करने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कार्बोनिल ग्रुप। तो व्हाट इज कार्बोनिल ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप हम किसे कहते हैं, जब कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है और यहाँ पे दो फ्री वैलेंसीज दिखाई गई है। फ्री वैलेंसीज दिखाई गई है तो ये यहाँ पे आपका या तो हाइड्रोजन हो सकते हैं, या हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप हो सकता है, या एल्काइल ग्रुप्स, दोनों एल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से इस ग्रुप को आप कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। जब कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड में होता है, एल्डिहाइड में जब कार्बोनिल ग्रुप होता है तो क्या होता है, उसमें अगर एक आपने एच लगाया हुआ है, इसको फ्री छोड़ा हुआ है, या आर हो सकता है, और अगर आर ना हो, बहुत ध्यान से ये भी पॉइंट सुनिए, अगर आर नहीं है तो यहाँ एच होगा, और एच होगा तो वो भी एल्डिहाइड होगा, पर वो फॉर्मल्डिहाइड होगा, जिसे हम मिथेनल भी कहते हैं, जिसे फॉर्मेलिन भी कहते हैं, जिसे फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। और अगर यहाँ पे आर अटैच कर दे, इस बैलेंस से कार्बन की अगर हम आर अटैच कर देते हैं तो वो एसिटल्डिहाइड हो जाता है, इथेनल। अब हम आए हैं थर्ड पॉइंट, लिखा हुआ है कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है एज इट इज, जिस तरीके से एल्डिहाइड में है, यहाँ पे भी एसीटोन ग्रुप में भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, पर सिर्फ फर्क कितना है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन कंपल्सरीली है और यहाँ पर दोनों अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे आपको आपकी चॉइस के ऊपर छोड़ा हुआ है कि कार्बोनिल ग्रुप उसमें आप एल्डिहाइड ग्रुप कहेंगे और कीटोन ग्रुप कहेंगे। एल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड होगा तो आर, और यहाँ पे एच, कार्बोनिल ग्रुप एज इट इज। कीटोन्स में आपने देखा कि अगर आपने दोनों एल्काइल ग्रुप्स अटैच किए हैं, कार्बोनिल एज इट इज ग्रुप है, इस तरीके से आपने कार्बोनिल ग्रुप में देख लिया एल्डिहाइड कीटोन्स के ग्रुप्स क्या होते हैं। तो ये हमने समझ लिया। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल। भाई न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझने जा रहे हैं, एडिशन तो हमने देख लिया अनसेचुरेटेड मिलती है, पर व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं Nu- माइनस चार्ज लगा के, जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं। आपको मैंने एक वीडियो में बताया भी था, एक शॉर्ट आपको मेमोराइज करने के लिए एक ट्रिक बताई थी कि न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन, अट्रैक्शन टूवर्ड्स न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस सबको पता है कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, व्हाट व्हाई, क्योंकि उसमें प्रोटोन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। जब हम कह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक तो न्यूक्लियस, उससे आप याद कर लीजिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किस चार्ज का होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है। जब पॉजिटिव चार्ज से कोई स्पीशीज लव करता है, उससे अफेक्शन होता है उसका, तो ऑब्वियसली वो स्पीशीज नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए। तो ये कैसी होती है, न्यूक्लियोफिल्स आर, न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इसी तरीके से फिफ्थ पॉइंट पे मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफाइल्स। व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स? इलेक्ट्रोफाइल्स ई, इसको ई से रिप्रेजेंट किया है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है, इससे आपको समझ में आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो ऑब्वियसली ये अटैक करेगा जाकर
नेगेटिव चार्ज पे मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करेगा। इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए जाएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लवर। क्या कहलाएगा ये, इलेक्ट्रॉन लवर। इसको भी आप कैसे याद कर सकते हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। वैसे आप यहाँ से ई से भी याद कर सकते हैं कि ई मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लवर मतलब ये पॉजिटिव स्पीशीज होना चाहिए। तो आपने पॉइंट समझ लिए। अब हम देखेंगे आगे कि क्यों ये पॉइंट बार बार पूछा जाता है, इसके पीछे क्या थ्योरी है। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको एक एक पॉइंट करके सभी कुछ क्लियर करती हूँ। सो सिक्स पॉइंट मैंने यहाँ लिया हुआ है, पॉलरिटी इन कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप आप लोग देख ही चुके हैं क्या होता है। अब हम ये देख रहे हैं पॉलरिटी। पॉलरिटी कैसे आती है, जब भी कोई दो एटम या एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तब एक पॉजिटिव हो जाता है और दूसरा नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। जब डबल बॉन्ड होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 4 आपके यहाँ पे प्रेजेंट है और 2 यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग से शेयर करके उसने यूज किए हुए हैं। जब ऑक्सीजन जिसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पेयर कौन सा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्डिंग है उसके इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग होती है। तो कार्बन के ऊपर स्लाइट यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ये पॉइंट समझने के बाद अब आप समझ कहेंगे कि पोलैरिटी क्या होती है। पोलैरिटी मीन्स के पोल बन गए, एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है। रीजन, क्योंकि और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन, क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिट में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब जब पोलैरिटी हो जाती है तो ये भी एक बहुत खास पॉइंट है कि यहाँ पे कार्बन की पोजीशन हो गई है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बन चुका है। जब ये कार्बोकेटायन है तो ये नेगेटिव स्पीशीज को अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट करेगा, तभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगी। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक आपने देखा नेगेटिव स्पीशीज है, जब ये कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करेगी तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाएगी। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने अभी पीछे क्वेश्चन उठाया था कि मिथेनल या इथेनल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कम्पेयर टू एसीटोन। तो उसका रीजन क्या है, ये भी बहुत क्लियर करा है मैंने यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की देर ही है। तो आपको क्या करना है, पहले तो मिथेनल, अब आप ये मिथेनल, ये नल जो है इसके जो भी एल्डिहाइड्स होते हैं उनके IUPAC नेम में अल लगा देते हैं, अल लगा देते हैं। जैसे इथेनल, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। और जो कीटोन्स होते हैं उनमें एसीटोन, अगर हमने एसीटोन लिया है तो वो ONE ऑन लग जाता है। और यहाँ पे क्या है, ये एक कीटोन का फॉर्मूला है, जो R लगा हुआ है वो एल्काइल रेडिकल। अब हम ये समझ लेते हैं कि पहले तो मिथेनल में एक कार्बोनिल ग्रुप से 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर, इन मतलब मिथेनल में कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अब ये आप कहेंगे कि अल्काइल ग्रुप से क्या लेना देना है, वही एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगी। इथेनल में एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, बहुत अच्छी बात है। एसीटोन या कीटोन में गए तो 2 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये कर क्या रहे हैं अल्काइल ग्रुप यहाँ बैठ के, क्या इनका रोल है, बहुत बड़ा रोल है। जो आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसको देख के समझे थे, इसको देख के समझे थे, आपने समझ लिया कॉन्सेप्ट की ये प्लस है, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव है, इसलिए नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होते हैं, ऐड हो जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। पर रीजन यहाँ पे एक जो फंडा समझना है कि ये अल्काइल ग्रुप क्या रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई अल्काइल रेडिकल नहीं है, यहाँ 1 है।
अब एल्काइल रेडिकल का या एल्काइल ग्रुप का क्या रोल होता है? उनका रोल ये है कि ये आप नोट कर सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है आपको पता हो, पर फिर भी मैं बता देती हूँ कि एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो अपने जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो पैर के इलेक्ट्रॉन वो कार्बन की तरफ शिफ्ट करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने लग जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्यों है? ये भी एक प्रॉब्लम है कि भाई ये क्या है, क्यों कर रहे हैं ऐसा। उसके पीछे रीजन ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपेरिजन में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर और हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव नेचर की है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्डिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ ज्यादा शिफ्ट होने लगे हैं। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने लगी तो वो अगले कार्बन को शिफ्ट कर रहा है। तो इस तरीके से एल्काइल ग्रुप या यहाँ मिथाइल लिया हुआ है मैंने, जो कि एल्काइल ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं इस कार्बन को। और ये कार्बन कौन सा है? कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है। अब सीधी सीधी बात दिखाई दे रही है कि जब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत ध्यान से सुनिए, जब अल्काइल ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं या शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस कार्बन के ऊपर, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर क्या होने वाला है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होने वाली है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ये कार्बोकेटायन था, हमने समझा था भाई ये तो कार्बोकेटायन है, तो कार्बोकेटायन से ये कार्बोनियन आयन बन जाएगा। इसके ऊपर माइनस चार्ज बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई है। तो एल्डिहाइड या मिथेनल बोले तो मिथेनल में कोई भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ ऐसा कोई काम होने वाला नहीं है। इथेनल एसिटाल्डिहाइड, इसमें एक अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप जब कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा तो इसकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ थोड़ी सी लो हो जाएगी। फिर जब हमने देखा कि R और R दो ग्रुप आ गए, ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहे हैं कार्बन की तरफ, तो ये कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है उसको पॉजिटिव होना चाहिए था क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, पर चूंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं इस कार्बन को, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। यहाँ एक एल्काइल ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर इंक्रीज हो रही है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा पर वो इतने स्पीड से अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन हो जाएगा। ये नेगेटिव हो चुका है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, ऑलरेडी नेगेटिव नेचर का होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होता है, इसीलिए इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर है कि मिथेनल जो है उसमें एक भी एल्काइल रेडिकल प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन इथेनल देन एसीटोन। इन तीनों के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो ज्यादा रिएक्टिव, देन सेकंड ये रिएक्टिव, देन लास्ट में ये है। और अगर आप और एल्काइल रेडिकल बढ़ा देंगे या इनकी ब्रांचेस बढ़ जाएंगी तो जैसे जैसे ये हेवी होता जाएगा अल्काइल रेडिकल से, वैसे वैसे रिएक्टिविटी लो होती जाएगी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बने रहिए, अब मैं आपको एग्जांपल देने वाली हूँ कि किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और क्या कंपाउंड बनेगा। सो फाइनल स्टेप इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड इज अ वीक एसिड, वीक एसिड होने की वजह से इसको जब हम ऐड करते हैं तो इसको स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में ऐड करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, इसके हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन को इजीली बाहर निकाल देता है और ये जो साइनाइड ग्रुप बचा है, साइनाइड ग्रुप जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करता है क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो H प्लस और CN नेगेटिव आयन बनेंगे, CN जो है वो आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा।
तो इस तरीके से रिएक्शन जो होगी आपका फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो साइएनोहाइड्रिन बनेगा। साइएनोहाइड्रिन तो आप इसको कह सकते हैं ये बना है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। अब मैकेनिज्म में क्या हो रहा है आप देखिए, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन न्यूक्लियोफाइल इसीलिए क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। ये HCN जब ब्रेक होता है तो ये H पॉजिटिव बनता है और CN नेगेटिव बनने की वजह से न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। जब ये इसके ऊपर अटैक करता है कार्बन के ऊपर तो साइमल्टेनियसली कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपने शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेती है। तो दो प्रोसेस साथ साथ होंगी, इसका अटैक कार्बन पे और यहाँ पे उसी समय पे ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स के शिफ्टिंग। तो ये कार्बन जो है वो अब बन जाएगा कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बनने की वजह से न्यूक्लियोफाइल इजीली उसके ऊपर अटैक करेगा। पर चूंकि हमने पहले भी देखा था कि यहाँ पे जो आर ग्रुप प्रेजेंट है वो इस रिएक्शन को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, लो कर देते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप बैठे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर स्पीड स्लो होगी। अगर यही फॉर्मल्डिहाइड होता या एसिटाल्डिहाइड होता तो स्पीड ज्यादा होती, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड में ओनली वन एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और फॉर्मल्डिहाइड या मीथेनल में एक भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से जब ये इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर अटैक कर रहा है तो आपका एल्कोक्साइड आयन जो कि इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो बन रहा है। इस तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है और जब ये एल्कोक्साइड आयन जो कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल है वो प्रोटोनेशन के बाद सेकेंड प्रोसेस है आपकी, फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक और सेकेंड है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन होने पर चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ा हुआ है तो वो H को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके OH ग्रुप बना देता है। तो आफ्टर प्रोटोनेशन आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है साइएनोहाइड्रिन। तो इस तरीके से ये एक चीज और देखते जाइए, जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डिंग है तो वो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पर एक पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है। जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है तो इसमें बॉन्डिंग चेंज हो चुकी है, आप देख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन चुका है जो कि क्या शो करता है, वो बताता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, नो पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे एक और काम हुआ है, पाई बॉन्ड का टूटना और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन जाना, तो ये पूरी प्रोसेस यहीं पे फिनिश होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बने रहिए, आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।